हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना टिक्की। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसे व्रत में या ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक कप साबूदाना को 3-4 पानी से अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। मैंने इसमें पानी उतना ही डाला था जितना साबूदाना बस भीगे। हमें इसे ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना है, नहीं तो हमारे साबूदाना गल जाएंगे, ये ऐसे खिले खिले नहीं बैठेंगे। अब इन साबूदाना को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। साबूदाना में बहुत सारा स्टार्च होता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। मैंने आलूओं को पहले से उबाल कर मैश करके रख लिया था। इसे हम इसमें मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। आप हरा धनिया की जगह कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सेंधा नमक यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसे ही इसे बना रहे हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। यहाँ नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके हम डो फॉर्म में लाएंगे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से इकट्ठा हो गया है। ये एकदम रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। हम पहले हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि टिक्कियाँ हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं। अब हम टिक्की बना लेते हैं। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। आप इन टिक्कियों को बनाकर रख भी सकते हैं, जब आपका मन करे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अब मैं इन टिक्कियों को इस तेल में डालूँगी। तेल हमारा गरम ही होना चाहिए, अगर हमारा तेल ठंडा होगा तो हमारी टिक्कियाँ उसमें टूट जाएंगी। पहले इसे गरम तेल में ही डालिए। अब टिक्कियाँ डालने के बाद आप गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये टिक्कियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ग्रीन चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं इसे हरी चटनी के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम सामान में बनकर ये रेडी हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर इसका आया है। नवरात्रि में, व्रत के दिनों में ये अक्सर लोगों के घरों में बनता ही है। अगर आपने कभी ये नहीं बनाया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ एकदम रेडी हैं। अब हम इसे तेल में से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।